सुनो, मैं गुस्से में जो भी कहूं उसे सच मानना, लेकिन अगर जाने का कहूं ना तो मत जाना। ये मैंने लिस्ट बनाई है, कुछ ज़रूरत की और राशन की चीज़ें चाहिए, तुम ले आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे नहीं है, मैं कुछ कर लूंगा, चीजें आ जाएंगी। और ये कार्ड जो है, ये बाहर भाई ने मुझे दिया था जब मैंने बीए पास किया था। इसे यूज करो ना, मतलब जब तक कोई जॉब या कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता। नहीं, इसके बगैर ही कुछ कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तबरेज, घर में खाने को कुछ नहीं है, हमें किसी तरह तो गुजारा करना है ना, कुछ पैसे निकलवा लो इसमें से। वो मुझे पकड़ कर मारने की धमकियां दे रहा है और मैं उसके पैसे खर्च कर दूं। मजबूर हूं, बेगैरत नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? कर लूंगा कुछ ना कुछ। दिल तो करते तुम्हारे सारे पैसों को आग लगा दो, निकलवा के गरीबों में बांट दो। ऐसे नहीं है, मैं कुछ कर लूंगा, चीजें आ जाएंगी। तबरेज़, घर में खाने को कुछ नहीं, हमें किसी तरह तो गुजारा करना है ना, कुछ पैसे निकलवा लो इसमें से। वो मुझे पकड़ कर मारने की धमकियां दे रहा है और मैं उसके पैसे खर्च कर दूं। मजबूर हूं, बेगैरत नहीं। कितनी मजदूरी दोगे? शक्ल पर मत जाओ, मजबूरी देखो। कर लोगे ये काम?
1000 दूंगा। दो ट्रक और आ रहे हैं, वो भी अनलोड करने होंगे। अगर काम करना है तो लग जाओ। गिन लिए थे ना, पिछली दफा गड़बड़ हो गई थी। चलो ले जाओ। इधर आ भाई बाली। थोड़ा जोर तो लगा बे। चलो आओ भाई, तुम लोग भी आओ, उठाओ इसको। 10। बाहर बाहर आ, खोल देख। एक मिनट, इस दफा मुझे जाने दे, मुझे कोशिश कर लेने दे। दास, मुझे तबरेज चाहिए और वो भी जिंदा। चलो क्या हुआ दास, तबरेज के बारे में कुछ? गाड़ी में बैठ, तबरेज मिल गया। बताओ तो क्या हुआ, कहाँ है? तबरेज से भी मिलवाता हूँ ना, गाड़ी में बैठ अपने। ये पैसे कहाँ से आए? तुम यहाँ देखो, मैंने हम दोनों के लिए कितनी ज्यादा शॉपिंग की है और घर का सौदा भी ले लिया है। मैं पूछ रहा हूँ ये पैसे कहाँ से आए? इसमें से मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं पूरा अकाउंट ही खाली कर दूँ, लेकिन अभी सिर्फ कुछ हजार ही लगाए। कौन से एटीएम से निकलवाए? ये यहाँ पीछे ही है एटीएम। देखो बाहर भाई की वजह से हम दरबदर हुए, तो उसी के पैसे खत्म करेंगे ना। भागो। तू क्या समझता था तेरी पहुंच से दूर हूं मैं? हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे और बाहर के बीच में मत आ दास। तेरे हाथों की कसम जिसे मैंने निवाले खाए, अगली दफा मेरा हाथ रुकेगा नहीं। रुक जा तबरेज, रुक जा। और भाई ने खाता, इसको जिंदा पकड़ता है। छोड़ दो, तुम, तुम्हें गोली लगी है, दिखाओ। हटो, मुझे देखने तो दो। क्या करूंगी देख, बाहर के पास जाना चाहती हो तो चल ही जाओ, मुझे क्यों आजमा रही हो? हमारा खून निकल रहा है तबरेज। ना चाहती हो तो बता दो,
बाहर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, मारकर सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते। ये जख्म तो बहुत गहरा है, डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। क्यों तुम्हें बचा, क्यों तुम्हारे लिए ख्वार हो रहा, जबकि तुम तो बाहर को खुद दावत दे रहे हो कि आओ आके हमें पकड़ ले। नहीं। अरे तुम्हारा मेरे ऊपर क्या गुस्सा, जबकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, मैं फिर भी तुम्हारा गुनेगार। मुझे करने दो प्लीज। जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं, करीब आज कुछ हो जाता ना तो। बाहर भाई के साथ राह पर हमेशा तबरेज ही रहा मेरा दोस्त, किसी को मारा ना किसी को तकलीफ दी। पता नहीं सर पे कफन बांध के क्यों बैठ गई, फिर उसको कहा भी था मत, जाने दे इस लड़की को, करने दे बार भाई से शादी, फिर वो कहने लगा कि क्या कहा उसने, उसने कहा कि वो तुम्हें रोता नहीं देख सकता। Thank you.
सर पे गप मान के क्यों बैठ? फिर उसको कहा भी था बंद जाने दे, लड़की को करने दे बार भाई से शादी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो तुम्हें रोता नहीं देख सकता। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। ऐसे? नहीं, घर अच्छा लग रहा है। अच्छी सफाई किया। तुम्हारा जख्म कैसा है? हाँ, भर रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। क्या हुआ है? क्या आज झगड़ोगी नहीं? नहीं। मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, कभी भी। अपनी हालत का जिम्मेदार तुम्हें समझूंगी भी नहीं। प्लीज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम तो वाकई मेरे लिए नेमत हो। अगर तुम ना होते ना तो सच में शायद मैं अपनी इज्जत पे खो देती। तुमसे लड़के तुम्हारी नाशुक्री नहीं करूंगी। मेरी नाशुक्री की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत अकेली हो गई हूं। देखो क्या हो गई है मेरी जिंदगी। सब ठीक हो जाए। और तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
और जिंदगी इम्तिहान लेती है। तुम समझो कि तुम एक इम्तिहान में हो और एक दिन तुम उस इम्तिहान में पास हो जाओगी। तुम मेरा दिल बहला रहे हो। नहीं, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता मुझसे। अच्छा बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं भी लेकर आता हूं। जो मुझे पसंद है वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। क्यों नहीं? तुम नाम तो लो, अगर मैं ना लेकर आऊं तो मेरा नाम बदल देना। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा नाम, मैं नहीं चाहती तुम अपना नाम बदल। बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें। बारिश, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही ना, घुटन सी हो रही है, लेकिन बिन मौसम बारिश होती कहाँ है। खुद से मिलूं तो मिलना न चाहूं दोबारा, पहली दफा इश्क तुझसे किया है, तुझसे ही कर लूं दोबारा। ख्वाहिश की और मैंने पूरी कर दी। ये नकली बारिश है, जल्दी एंजॉय कर लो, टंकी में पानी खत्म हो जाएगा। अबे चुप कर, चुप। अबे यार बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे।
इसे घर नहीं लाना चाहिए था मुझे। मैंने कहा था ना बाहर, इसे किसी यतीम खाने में दे देते, लेकिन तूने इसे अपने पास रखे सिर्फ इसलिए कि इसके घर पर कब्जा करके असलहे का गोदाम बना सके। यही तो भूल हो गई, इसे यतीम खाने में नहीं, इसे तो इसके मां बाप के साथ ही मार देना चाहिए था मुझे। ये गलती हो गई, गलती हो गई। इसका मतलब वो ख्वाब, मेरे बचपन की याद, मेरे माँ बाप जुर्म के हाथ से मिली मरे थे। ने उनका कत्ल किया, मेरे बेगुनाह मां बाप के कत्ल का हिसाब तो देना होगा उसे। सोच ले, चला थे खाप खाप नहीं अदास, हकीकत बनता जा रहा है। एक ट्रेन एक्सीडेंट में तुम्हारे अम्मी भी चले गए। रिटर्न लग रहा है। बार भाई ने तुम्हें सहारा दिया। क्या नाम है, बड़ा शिद्दत पसंद इंसान, मोहब्बत करता हूँ तो बड़ी शिद्दत से, नफरत करता हूँ तो बड़ी शिद्दत से। बाहर की शादी हो जाएगी ना तो बाहर ऐसा पलटा खाएगा कि सारे काले धंधे बंद। पूरी 3 गोलियां मारी मैंने उसके सिर पर। बाहर की लंका में ना सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है। मैं जानता था कि ये जगह मेरे बाप की है, मतलब मेरी मलकियत है, और यहाँ मेरा घर बनेगा, किसी गुंडे बाहर भाई के असले का गोदाम नहीं। तो रुक, तू रुक, रुक, तू मैं आता हूं। दास, गुलशेर,
तुझे वहां आके वैसे ही मारूंगा जैसे तेरे माँ बाप को मारा था। सुन रहे ना तू? ऊपर वाला ना मारे तो तबरेज को कोई माई का लाल नहीं मार सकता। माई का लाल नहीं मार सकता। बता दे तुझे करता है। चल चलते हैं। मेरा घर बनेगा। किसी गुंडे बाहर भाई के असली का गोदाम नहीं। किसी गुंडे बाहर भाई के असली का गोदाम नहीं। तबरेज़ वहां चले गए थे तुम? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ पूछ रही हो तुमसे? ये डब्बे कैसे लगे तुम्हें? तबरेज़ तबरेज, तुम देख क्यों नहीं रहे मेरी तरफ? तबरेज, तबरेज, तुम रो क्यों रहे हो? तबरेज, क्या हुआ? ख्वाब देखा। ख्वाब नहीं था, हकीकत। मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार, मैं कुछ नहीं कर सका। पिंच, फर्क इतना है कि जिसने तुम्हें बचाया वो मसीहा मैं था। मुझे बचाया मेरे पापा का कातिल निकले। बस अब कभी वहां ना जाना। हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे जिसमें दूर दूर तक वो नहीं होगा। मेरे लिए अपने तुम्हारे लिए काफी है तबरेज। नहीं, तुम उसके नापाक खून से अपने हाथ गंदे नहीं करोगे। तुम देखना, उसे इसी दुनिया में उसके किए की सजा मिलेगी।
लेकिन मेरी दुनिया तो तुमसे आबाद है ना। मैं उसे उजड़ता हुआ नहीं देख सकती तब्रेज। खाओ मेरे सर की कसम, तुम नहीं जाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे। वो हमारे लिए जीते जी मर चुका है। उसने अब तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई वो मेरी बहन फिर से बीमार पड़ गई। सोच ले बे। अब बहन बीमार है भाई तो जाएगा ना, इस बार मौला तेरे साथ नहीं जाएगा, तू अकेला होकर आ जा। पूरा भरोसा है तुझ पे। जा। कौन है? जुल्फी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। तबरेज कहाँ है? वो काम की तलाश से निकला। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ उससे। आ गया तब्रेज, मैं खोलती हूँ।
मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तो तबरेज, तबरेज कहाँ है? उसको नहीं पकड़ा? इसी से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, आएगा वो तुझे ले जाने, बचाने, भगाने। जरूर आएगा, तुम तैयारी कर लो, क्योंकि जब वो आएगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो डर गई। सुना दास, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। यही खातिर तो अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दास मौलवी का इंतजाम कर, अभी इसी वक्त मेरा मिनसा से निकाह होगा। देखते हैं तेरा आशिक निकाह से पहले आता है या बाद में। कसम से दोनों ही सूरतों में बहुत मजा आने वाला है। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, सुना तुमने? कभी नहीं। नहीं सुना मैंने, नहीं सुना। चले मौलाना साहब, बिलाखिर मुझे मेरी दुल्हन मिल गई। निकाह पढ़ाएं और बना दें हम दोनों को मियां बीवी। नाम बताएं। नाम मिनसा वल्त मुमताज। लगता है निकाह होने के बाद आएगा। हाथ मलता रह जाएगा। बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह। मिनसा बिनते मुमताज, आपको बहार वल्द कुर्बान खान के साथ भाग के महर 11,000 रुपए निकाह कबूल है?
बिंदिशा बिनते मुमताज, आपको बहार वर्ष कुर्बान खान के साथ भाग के महर 11,000 रुपए निकाह कबूल है? मुझे कबूल नहीं। तबरेज़। अरे इतनी जल्दी क्या है मिंसा प्यारी, देखिए जाओ। मजा तो अब आएगा तबरेज प्यारे, तुझे तेरी मौत यहां ले आई है तबरेज प्यारे। नहीं, तूने अपनी मौत को यहां खुद बुलाया है, लेकिन मैं तुझे मारकर तेरे खून से अपने हाथ नापाक नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अब बाहर भाई का नाम सुनकर यहां कोई नहीं डरेगा। कि मैं तेरा नाम इनकी जबानों से मिटा दूंगा, मैं तुझे मारने नहीं, तुझे मिटाने आया हूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चल तेरे लिए ना आसानी कर देता हूं, मुझे मार इसे ले जा, और अगर मैंने तुझे मार दिया तो ये तो है ही मेरी। और सुन लो, कोई भी मेरे भाई को आज हाथ नहीं लगाएगा सिवाय मेरे। अच्छा, मंजूर है। इसकी जान बख्श दो, खुदा के लिए इसकी जान बख्श दो। तो फिर बोल,
बोल कि तुझे बाहर कबूल है। और इतनी जोर से बोल के इसके कान सुन ले और ये ज़हन नशीन कर ले कि तू सिर्फ सिर्फ मेरी है। बिंत मुमताज, आपको बहार वन और वन खान के साथ वक्त बहर 11,000 रुपए सिक्का राय जो वक्त ने का कबूल है। आपको बहार वन और वन खान के साथ वक्त बहर 11,000 रुपए सिक्का राय जो वक्त ने का कबूल है। ये निकाह कबूल नहीं। क्या ढीठ आदमी है तू? अब भी तुझमें इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने खड़ा? मैं अभी जिंदा हूं।
से भर कर दे एक बार। और तुम्हें अली मुरीद खान उसकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में और असला स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी को नहीं मारा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पकड़ो इसको। और यहां किसकी जरूरत? व्यवहार के खिलाफ गवाही देकर। मैं गवाही दूंगा क्योंकि तबरेज झूठ नहीं बोलता। कहा था तबरेज के होते हुए बाहर को कोई नहीं मार सकता क्योंकि तबरेज ही बाहर को मार सकता। तू गवाही देगा? तू गवाही देगा? छोड़ो मुझे, ले से लेके छोड़ो। चलो निकाह पड़ा है मौलवी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिन्सा बिन्त मुमताज आपको तबरेज वल मुरीद अली के साथ भक्त महर 11,000 रुपये सिक्का राय जुर्वा निका कबूल है। कबूल है। जनाब तबरेज वल मुरीद अली साहब आपको मिन्सा बिन्त मुमताज के साथ भक्त महर 11,000 रुपये सिक्का राय जुड़वा निका कबूल है? कबूल है।